कहानी के तौर में साथ जुड़ने के लिए आप ऑल इन वन चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों एक बार फिर से कहूँगा कि प्लीज़ एक बार कर दीजिए लाइक जिसने नहीं किया, और जिसको पसंद है वो कर दीजिए सब्सक्राइब, और घंटे बटन को जरूर दबाए कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और एक बार शेयर भी कर दीजिए क्योंकि आपका भी प्रॉफिट होगा कुछ और मेरा भी होगा कुछ, बस कर दीजिए। और चलिए दोस्तों आज हम 52 मैच की बात करते हैं। तो 51 मैच था वो 34 बॉल बाकी हुआ तभी जीत गए। अभी कुछ देर पहले प्रेडिक्शन किया था वो भी गलत निकला। अभी जितना प्रेडिक्शन हो रहा है मेरा 3-4 वो सब उल्टा ही जा रहा है, तो आप उल्टा ही में लगा के देखना। आज मैं बताता हूँ आज कौन जीतने वाला है। तो हम दूसरे प्रेडिक्शन की बात करने वाले हैं 52 मैच वाले प्रेडिक्शन के बारे में कि आज का मैच कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है। तो जो पहले मैच के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो पहला मैच था उसमें जो ईशान किशन ने लास्ट बॉल में छक्का मार के जिताया नौटिया के, तो नौखिया। तो फिर हम उसी के बारे में बात कर रहे अभी। तो जैसे कि एक विकेट गिरा वो था डिकॉक का विकेट गिरा, तो डिकॉक का विकेट गिरने के बाद सूर्य कुमार यादव आए, फिर उन्होंने खेला, फिर वही लास्ट नौखिया के दूसरे बॉल में मारा 6, तो मैच अपने हाथ में ले लिया। अब पॉइंट्स टेबल बहुत ऊपर आ चुके हैं मुंबई। तो अब दूसरा मैच है जो है SRH और RCB के बीच, तो शारजा में मैच है, बहुत तगड़ा मैच होने वाला है, आप ज़रूर प्लीज़ देखिएगा इस मैच को। तो मैच के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। मैच के बारे में मैं बात करूंगा कि जो RCB अभी जो 3 मैच हो चुका है लगातार हारते हुए आ रही है, तो अब उन्हें एक बार जीतना होगा। अगर आज जीती तो टिकट हो जाएगा सेमीफाइनल का, आज हारी तो फिर अगला मैच होगा एकदम तगड़ा होगा DC और RCB के बीच। तो हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। RCB और SRH की बात कर लेते हैं। जैसे अगर आज उनके पास चांस है, आज हाफ चांस है, अभी भी हाफ है पूरा चांस, अगर आज भी जीते तो मुश्किल है SRH का पहुंच पाना, हाफ चांस है मतलब। तो हम बात करेंगे अगर RCB जीती तो सेमीफाइनल की टिकट पक्की है। तो बात करेंगे SRH के ओपनर्स के बारे में, जैसे डेविड वॉर्नर और बैरिस्टो करते हैं, फिर मनीष पांडे आते हैं, फिर प्लेयर्स आते हैं, यार मेरे को तो उतना पता नहीं, मैं प्लेइंग 11 सीधा मैं मैच प्रेडिक्शन करता हूँ और मैच प्रेडिक्शन उल्टा ही जाता है मेरा बस और कुछ नहीं। तो RCB की बात करते हैं, पार्टिकल फ्रिंच, आज फ्रिंच शायद ही दिखेंगे, जॉस फिलिपी फिर दिख जाए एक बार तो मैच कुछ अलग हो जाएगा। तो भाई बात करते हैं आगे मैच के बारे में कि आज का मैच कौन जीत रहा है। दोस्तों आज का मैच जो जीत रहा है वो टीम है दोस्तों SRH जो टीम है वो जीतने वाली है आज का मैच। तो मैं उम्मीद करूंगा आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। एक बार फिर से बोलूंगा आज का मैच SRH जीत रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।